एक वक्त था जब भोजपुरी फिल्में और गाने सिर्फ लिमिटेड जगहों पर ही सुनने और देखने को मिलते थे, लेकिन अब जमाना सोशल मीडिया का है तो पॉपुलैरिटी बढ़ने में ज्यादा देर नहीं लगती। क्लब हो या फिर कोई हाई प्रोफाइल पार्टी या फिर इंस्टाग्राम के रील्स, भोजपुरी गानों का जबरदस्त खुमार देखने को मिलता है। पंजाबी, हरियाणवी, हिंदी, इंग्लिश गानों की तरह भोजपुरी गानों के लिए भी लोगों का क्रेज बढ़ता जा रहा है। इंस्टाग्राम रील्स में अक्सर भोजपुरी गाने ट्रेंड हो रहे हैं। हाल ही में गाना ट्रेंड हुआ है जिसके धुन पर हर कोई झूम उठा है, और इस गाने में हीरो है निरहुआ यानी कि भोजपुरी के मशहूर एक्टर दिनेश लाल यादव, और हीरोइन है भोजपुरी क्वीन आम्रपाली दुबे। इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फैंस को खूब पसंद आती है। इस हिट जोड़ी ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा आए दिन दोनों के वीडियो सॉन्ग भी सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, जिसे फैंस खूब पसंद करते हैं। अब हाल ही में निरहुआ और आम्रपाली दुबे का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें दोनों खेत में रोमांस करते हुए नजर आए। दोनों का यह वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। हर कोई दोनों के इस वीडियो पर अपना प्यार लुटा रहा है। निरहुआ और आम्रपाली दुबे के जिस गाने की हम बात कर रहे हैं वो है मरून कलर सड़िया, जिसने यूट्यूब पर इन दिनों गर्दा उड़ा रखा है। इस गाने को हर कोई पसंद कर रहा है। गाने में निरहुआ और आम्रपाली दुबे की जोड़ी को खूब पसंद किया जा रहा है। इस गाने में किसान की दुख भरी दास्तान के बीच कुछ हसीन पल का एहसास भी देखने को मिला है। हर गाने की तरह इस गाने में भी निरहुआ और आम्रपाली दुबे ने अपनी केमिस्ट्री से लोगों का दिल जीत लिया है। ये गाना 2 महीने पहले रिलीज हुआ और अब तक इस गाने को 8 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। भोजपुरी सिनेमा में आम्रपाली दुबे और निरहुआ की जोड़ी सुपरहिट है। दोनों ने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं। दोनों को यूपी बिहार के लोग दिल खोलकर प्यार देते हैं। निरहुआ पहले एल्बम गाना बनाते थे। निरहुआ ने हमको ऐसा वैसा ना समझो से साल 2006 में अपना एक्टिंग करियर शुरू किया। इसके बाद चला तो मुसाफिर, मोह लियो रे से भी निरहुआ को पहचान मिली। साल 2008 में आई फिल्म निरहुआ रिक्शा वाला ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में धमाल मचा दिया। इन दिनों एक्टर पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव है। वहीं आम्रपाली के करियर की बात करें तो आम्रपाली दुबे ने नेशनल टीवी के सिनेमा से अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। उन्हें पहला ब्रेक 2008 में शो 7 फेरे सलोनी का सफर से मिला था। इसके बाद रहना है तेरी पलकों की छाओं में और फिर मेरा नाम करेगी रोशन शो में उन्होंने अपनी एक्टिंग से फैंस का दिल जीत लिया। इसके बाद उन्होंने भोजपुरी सिनेमा की ओर रुख किया और आज उनका नाम भोजपुरी की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में आता है। वैसे आपको भोजपुरी सॉन्ग्स कितने पसंद है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN बॉलीवुड, एंड देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।